हे फ्रेंड्स, दिस इज संपदा कुलकर्णी वेलकम्स यू इन माय चैनल टेक टॉक्स। यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बाइनरी सर्च ट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिस वीडियो सीरीज में अब तक हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन और रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट ऑपरेशंस, जो कि मैंने इलेबोरेट किए हुए हैं, क्रिएट एंड इंसर्ट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन एंड अभी जो बारी है वो है डिस्प्ले ऑपरेशन की। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले ऑपरेशन। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देख लेते हैं। क्या होता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री और स्पेशलिटी? तो जो कुछ नोड होते हैं लेफ्ट सब ट्री में वो हमेशा उसके पेरेंट नोड से उसकी वैल्यू कम होती है और राइट सब ट्री के नोड्स की वैल्यू पेरेंट नोड से ज़्यादा होती है। ये प्रॉपर्टी हमें इंसर्ट करते टाइम यूज होती है, सर्चिंग के टाइम यूज होती है, डिलीशन के टाइम भी यूज होती है। अभी डिस्प्ले के लिए वैसे देखा जाए तो उस प्रॉपर्टी का कोई मतलब है नहीं, फिर भी क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलो डिस्प्ले पे अब फोकस करते हैं। डिस्प्ले को ही हम बोलते हैं ट्रैवर्सल ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री। देर आर टू वेज। तो फर्स्ट वे है डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल DFS और द सेकेंड वे होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल यानी कि BFS। तो फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल पे हम DFS पे फोकस करते हैं। जैसे कि आपको पता है DSF तीन डिफरेंट वेज से ट्रैवर्स होता है, वो होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट नोड ट्रैवर्स होता है, देन इसका लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री। इन ऑर्डर में बीच में और इन बिटवीन ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री रूट नोड होता है, और पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड पोस्ट होता है, मतलब कि बाद में होता है, पहले लेफ्ट होता है राइट होता है और एट द लास्ट पोस्ट ऑर्डर में एकदम लास्ट में रूट नोड ट्रैवर्स होता है। तो चलो फोकस करते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पे। क्या था आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल? अ रूट नोड देन अ लेफ्ट सब ट्री एंड देन अ राइट सब ट्री, ये होता है आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो चलो स्टार्ट करते हैं रूट नोड से। रूट नोड से स्टार्ट करना है और रूट नोड ही सबसे पहले ट्रैवर्स करना है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, मतलब कि डिस्प्ले करना है, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया। नेक्स्ट उसके लेफ्ट सब ट्री को जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री भी फिर से रूट नोड है तो उसको भी हमने डिस्प्ले कर लिया। उसका लेफ्ट 19 वो भी हमने डिस्प्ले कर लिया, उसका लेफ्ट 8 वो भी हमने डिस्प्ले कर लिया। अभी 8 को लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो राइट सब ट्री को जाएंगे, राइट भी नहीं है तो विल मूव बैक टू अ पेरेंट नोड 19 और उसको राइट है या नहीं चेक करेंगे, वो है इसलिए उसको हमने अभी डिस्प्ले कर लिया। फिर से 22 जो है वो लीफ नोड है तो फिर से हम प्रीवियस लेवल पे मूव होके 25 को राइट चाइल्ड चेक करेंगे, वो है इसलिए वहाँ पे मूव करके उस पर हमने डिलीट डिस्प्ले कर लिया। 36 भी लीफ नोड है तो फिर से हमने अबो लेवल पे मूव करके राइट चाइल्ड चेक किया, वो है उसको भी पहले डिस्प्ले कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। सबसे पहले हमें जो करंट रूट नोड है उसको हमें डिस्प्ले करना है। 65 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है बट राइट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड को मूव कर लिया और वो 72 का रूट नोड है इसलिए 86 को हमने डिस्प्ले कर लिया। 86 को लेफ्ट चाइल्ड है उस पर मूव कर लिया और उसको हमने डिस्प्ले कर लिया। तो ये हो गया आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इस ट्री का क्या है? 56, 25, 19, 8, 22, 36, 65, 86 एंड 72। अभी नेक्स्ट जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है जो कि है LNR, मतलब कि लेफ्ट रूट नोड एंड देन राइट सब ट्री, वो हम देखेंगे। तो ये हो गया आपका रूट से ट्रैवर्स करना, मैंने शुरू कर लिया है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो रूट को हाईलाइट किया। अभी रूट को
आफ्टर लेफ्ट सब ट्री करना है, तो ये हो गया, उसको लेफ्ट है इसलिए उस पर हमने स्टेप डाउन कर लिया। 25 को लेफ्ट है उस पर भी स्टेप डाउन कर लिया। अभी 8 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो खुद रूट को हमने ट्रैवर्स कर लिया। उसके बाद 8 को राइट चाइल्ड भी नहीं है, स्टेप अप होके 19 को हमने ट्रैवर्स कर लिया। 19 का लेफ्ट हो गया, रूट हो गया। अभी राइट को ट्रैवर्स करना है और राइट चाइल्ड जो है 22 वो लीफ नोड है इसलिए उसको भी ट्रैवर्स कर लिया। अभी स्टेप अप होके 25 को रूट नोड बना के उसको ट्रैवर्स कर लिया। देन 36, देन 56 उसको भी हमने ट्रैवर्स कर लिया। 65 को लेफ्ट चाइल्ड नहीं है इसलिए रूट नोड बना के उसको ट्रैवर्स कर लिया। अभी बारी है राइट सब ट्री की। राइट सब ट्री 86 को लेफ्ट चाइल्ड है इसलिए 72 को पहले मूव हो लेते हैं। 72 लीफ नोड है इसलिए उसको ट्रैवर्स कर लिया और स्टेप अप होके अभी 86 को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया 8, 19, 22, 25, 36, 56, 65, 72 and 86। अभी इसी ट्री को हम पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स करेंगे बाय फॉलोइंग द सीक्वेंस लाइक लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड देन अ रूट नोड, क्योंकि ये है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो चलो यही ट्री है हमारे पास, उसको हम पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं। रूट नोड से स्टार्ट कर लिया, उसको लेफ्ट सब ट्री है, 25 को भी लेफ्ट सब ट्री है, 19 को भी लेफ्ट सब ट्री है, 8 अभी 8 को लेफ्ट सब ट्री नहीं है, राइट भी नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी रूट को ट्रैवर्स कर लिया। तो ये हो गया आपका रूट ट्रैवर्स। अभी हम 19 को मूव होके उसको राइट चाइल्ड है या नहीं वो चेक करेंगे। यस राइट चाइल्ड है, तो हमने 22 पे अभी मूव हो लिया है। अभी मूव होने के बाद 22 को लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो 22 हमारा क्या है, अभी रूट नोड है, तो उसको हमने प्रोसेस कर लिया। अभी 22 को 19 के आप यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट सब ट्री भी हो गया, राइट सब ट्री भी हो गया। अब किसकी बारी है, अब है खुद रूट नोड की बारी। तो यहाँ पे हमने 19 को रूट नोड करके प्रोसेस कर लिया। 19 का जो है वो है पेरेंट नोड है 25 पर, उसको भी राइट चाइल्ड अवेलेबल है। तो 36 को हमने स्टेप डाउन करके 36 को प्रोसेस कर लिया क्योंकि 36 है हमारा चाइल्ड नोड। अभी 25 की बारी है, अभी 25 को मैंने प्रोसेस कर लिया। फिर से स्टेप अबव होके 56 को रूट नोड बना के उसको राइट चाइल्ड है राइट चाइल्ड है, तो उस राइट चाइल्ड को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, उसको लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, देखते हैं यहाँ पे अभी क्या करना है। तो लेफ्ट चाइल्ड तो नहीं है बट 65 को राइट चाइल्ड है, तो राइट चाइल्ड है 86, राइट 86 को स्टेप डाउन करके अभी 86 को लेफ्ट चाइल्ड है, तो 72 पे जाके 72 जो है वो लीफ नोड है इसलिए उसको प्रोसेस कर लिया। अभी 72 का पेरेंट नोड है 86, 86 को राइट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमें 86 पेरेंट नोड को प्रोसेस करना है। उसके बाद आप 65 को देख सकते हो, लेफ्ट चाइल्ड था नहीं, राइट चाइल्ड था, राइट सब ट्री प्रोसेस हो गया। तो अभी किसकी बारी है, रूट नोड 65 की। और एट द एंड 56 का रूट नोड आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो उसका लेफ्ट सब ट्री पूरा ड्राइवर्स करके हुआ है, राइट सब ट्री भी पूरा ड्राइवर्स करके हुआ है, तो अब किसकी बारी है, रूट नोड की, तो उसको भी हमने यहाँ पे प्रोसेस कर लिया। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो ट्री ड्राइवर्सल करके मेरे एक वेब सीरीज है यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसपे मैंने एल्गोरिदम भी एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल भी वहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, तो वो जरूर देखना ना भूलिए। यहाँ पे अभी सेकेंड ऑर्डर देखते हैं जो है ब्रेकफास्ट सर्च ट्रैवर्सल, BFS उसको बोलते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ये होता है, रूट नोड से स्टार्ट करके हम एक एक लेवल को ट्रैवर्स करते जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले है हमारा 56, देन नेक्स्ट लेवल पे है 25 और 65, नेक्स्ट लेवल पे है 19, 36 और 86, और लास्ट लेवल पे है 8, 22 और 72।
तो ये हो गया है आपका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इस तरह से कोई भी बाइनरी ट्री हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को देखा समझा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक दे रही हूँ, उसके साथ साथ इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो और पूरा वीडियो सीरीज इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट आपकी यहाँ आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, थैंक यू।